हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की मज़ेदार रेसिपी है जुकीनी मटन। मटन जुकीनी बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है और एक किलो जुकीनी ली है, जो कि मैंने छिलके के बगैर उसको मैंने काट के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, एक टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून काली मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबलस्पून नमक, एक टीस्पून हल्दी और कुछ हरी मिर्चें, दो अदद टमाटर लिए हैं मैंने, एक अदद प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, एक किलो जुकीनी है इसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है बगैर छिलके के। आइए स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में मैंने सबसे पहले वो जो आधा किलो गोश्त लिया है उसको डाल दिया है और जो हमारे मसाला वगैरह हैं वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं, साथ में टमाटर और प्याज भी मैंने ऐड कर दिए हैं। एक टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड कर देना है। आधा गिलास पानी डालकर मैंने कुकर को 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है और जब हमारा 15 मिनट कुकर पकने के बाद गोश्त हमारा गल जाएगा तो एक अलग देगचे में मैंने ऑयल डालकर वो गोश्त और मसाला सारा इसमें ऐड कर देना है और इसको अच्छे से मैंने भून लेना है। देखें इसमें ऑयल कितना ऊपर आ गया है और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। अब बहुत ही अच्छा ये भून चुका है। अब इसके अंदर मैंने जो हमारी स्लाइसेस में कटी हुई जुकीनी है उसको ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सा मिक्स होने के बाद मैं इसको कवर देके तकरीबन कुछ मिनट के लिए बंद करके रख दूँगी। अब देखें जब मैंने कवर उतारा तो जुकीनी ने काफ़ी पानी अपना छोड़ा हुआ था, मैंने दोबारा कवर देके पकने के लिए रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने इसमें हरा धनिया डालकर इसको हल्का सा और पका लिया और ये देखें मैं आपको एक पीस निकाल के देती हूँ कि जुकीनी हमारी कितनी अच्छी से गल चुकी है। बहुत ही नरम होती है ये, बहुत जल्दी गल जाती है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी जब इसमें ऑयल आ जाएगा। ये देखिए कितनी क्विक और जल्दी रेसिपी बन जाती है ये हमारी मटन जुकीनी। जब भी कोई मेहमान अचानक आ जाए तो आप ये रेसिपी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही जल्दी और बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका कितना अच्छा टेस्ट आता है। मेरी दूसरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। जज़ाकअल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़। Oh, 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 oh